फाइल संख्या 16H, अध्याय 16, सी में प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी का शेष भाग। GETW तथा PUTW फंक्शन। ये दोनों फंक्शन फाइलों पर किसी पूर्णांक को पढ़ने और लिखने में प्रयोग किए जाते हैं। ये फंक्शन क्रमशः GETC और PUTC फंक्शनों के समान हैं। इन फंक्शनों का उपयोग तब करना अधिक लाभदायक रहता है जब हम केवल पूर्णांक डाटा पर कार्य कर रहे हों। इन फंक्शनों का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। PUTW, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीजर, कॉमा, एफ पॉइंट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। GETW, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एफ पॉइंट, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। जहां इंटीजर कोई पूर्णांक चर है और एफ पॉइंट उस फाइल का फाइल पॉइंटर है जिस पर इनपुट या आउटपुट की क्रिया की जा रही है। निम्नलिखित उदाहरण से इन दोनों फंक्शनों का उपयोग स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण 16.8। यहां हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो एक फाइल से पूर्णांकों की एक श्रृंखला को पढ़ता हो और उनमें से सम यानी इवन संख्याओं को एक फाइल में और विषम यानी ऑड संख्याओं को दूसरी फाइल में लिखता हो। ये प्रोग्राम नीचे दिया गया है। पाउंड साइन इंक्लूड लेस देन साइन stdio.h ग्रेटर देन साइन मेन पैरेंथेसिस साइन। लेफ्ट ब्रेस कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई स्टार FP1 कॉमा स्टार FP2 कॉमा स्टार FP3 सेमीकोलन। INT NUMB कॉमा स्मॉल आई सेमीकोलन स्लैश स्टार ओपन फर्स्ट फाइल फॉर आउटपुट स्टार स्लैश FP1 इक्वल एफ ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल D कैपिटल A कैपिटल T कैपिटल A अंडरस्कोर कैपिटल F कैपिटल I कैपिटल L कैपिटल E डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल W डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। स्कैन F सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन स्मॉल D डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एम्परसेंड साइंड NUMB सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। व्हाइल सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट NUMB फैक्टोरियल साइन इक्वल -1 सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट ब्रेस PUTW सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट NUMB कॉमा FP1 सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। स्कैन एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन स्मॉल D डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एम्परसेंड साइन NUMB सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन राइट ब्रेस। एफ क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट FP1 सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्लैश स्टार ओपन ऑल फाइल्स स्टार स्लैश FP1 इक्वल F ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल D कैपिटल A कैपिटल T कैपिटल A अंडरस्कोर कैपिटल F कैपिटल I कैपिटल L कैपिटल E डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल R डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। FP2 इक्वल F ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल E कैपिटल V कैपिटल E कैपिटल N अंडरस्कोर कैपिटल F कैपिटल I कैपिटल L कैपिटल E डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल W डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। FP3 इक्वल F ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल O कैपिटल D कैपिटल D अंडरस्कोर कैपिटल F कैपिटल I कैपिटल L कैपिटल E डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन
small w, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. Slash star, read input from capital D, capital A, capital T, capital A, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, star, slash. While circular bracket start, circular bracket start, NUMB equal GETW, circular bracket start, FP1, circular bracket close, circular bracket close. Factorial sign equal capital E, capital O, capital F, circular bracket close. Left brace if circular bracket start NUMB percentage sign 2 equal equal 0 circular bracket close. PUTW circular bracket start NUMB comma FP 2 circular bracket close semicolon slash star write to capital E capital V capital E capital N underscore capital F capital I capital L capital E star slash else PUTW circular bracket start NUMB comma FP3 circular bracket close semicolon slash star write to capital O capital D underscore capital F capital I capital L capital E star slash right brace F close circular bracket start FP1 circular bracket close semicolon F close circular bracket start FP2 circular bracket close semicolon F close circular bracket start FP3 circular bracket close semicolon slash star new display contents of capital E capital V capital E capital N underscore capital F capital I capital L capital E and capital O capital D underscore capital F capital I capital L capital E star slash FP2 equal F open circular bracket start double inverted comma begin capital E capital V capital E capital N underscore capital F capital I capital L capital E double inverted comma close comma double inverted comma begin small r double inverted comma close circular bracket close semicolon FP3 equal F open circular bracket start double inverted comma begin capital O capital D underscore capital F capital I capital L capital E double inverted comma close comma double inverted comma begin small r double inverted comma close circular bracket close semicolon print f circular bracket start double inverted comma begin backslash small n contents of capital E capital V capital E capital N underscore capital F capital I capital L capital E backslash small n double inverted comma close circular bracket close semicolon while circular bracket start NUMB equal GETW circular bracket start FP2 circular bracket close factorial sign equal capital E capital O capital F circular bracket close print F circular bracket start double inverted comma begin percentage sign 5 small d double inverted comma close comma NUMB circular bracket close semicolon print F circular bracket start double inverted comma begin backslash small n contents of capital O capital D underscore capital F capital I capital L
capital E, backslash, small n, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. While, circular bracket start, circular bracket start, NUMB equal GETW, circular bracket start, FP3, circular bracket close, factorial sign, equal capital E, capital O, capital F, circular bracket close. Print F, circular bracket start, double inverted comma begin, percentage sign, 5, small d, double inverted comma close, comma, NUMB, circular bracket close, semicolon. F close, circular bracket start, FP2, circular bracket close, semicolon. F close, circular bracket start, FP3, circular bracket close, semicolon, right brace. ये प्रोग्राम एक साथ तीन फाइलों का उपयोग करता है, जिनके लिए हमने तीन फाइल पॉइंटर FP1, FP2 और FP3 परिभाषित किए हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट मानों को टर्मिनल से पढ़ा जाता है और उन्हें एक फाइल में लिखा जाता है। अगली बार उस फाइल को पढ़कर सम और विषम संख्याओं को अलग-अलग फाइलों में लिखा जाता है। अंत में उन दोनों फाइलों की सामग्री मॉनिटर पर दिखाई जाती है। इस प्रोग्राम का परीक्षण अपने कंप्यूटर पर कीजिए। इसमें इनपुट संख्याओं की समाप्ति -1 टाइप करके की जाएगी। F print F तथा F scan F function। अभी तक आपने ऐसे फंक्शनों के बारे में पढ़ा है, जो किसी फाइल में एक बार में एक वर्ण या एक पूर्णांक को इनपुट या आउटपुट करते हैं। अधिकांश C कंपाइलरों में दो अन्य फंक्शनों F print F तथा F scan F की सुविधा उपलब्ध है, जो मिले जुले डाटा के समूह को एक साथ इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। इन फंक्शनों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं फंक्शनों print F तथा scan F के समान है। अंतर केवल ये है कि इन फंक्शनों का उपयोग फाइलों के संदर्भ में किया जाता है। इन फंक्शनों का पहला आर्गुमेंट उस फाइल का फाइल पॉइंटर होता है, जिस पर इनपुट या आउटपुट क्रिया की जा रही है। F print F फंक्शन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। F print F circular bracket start F point comma double inverted comma begin control string double inverted comma close comma list circular bracket close semicolon। जहां F point उस फाइल का फाइल पॉइंटर है, जिसको आउटपुट के लिए खोला गया है। कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट के आइटमों के लिए आउटपुट विवरण यानी आउटपुट स्पेसिफिकेशंस हैं, तथा लिस्ट में आउटपुट किए जाने वाले चर नियतांक और स्ट्रिंग हैं। उदाहरण के लिए कथन F print F circular bracket start FP1 comma double inverted comma begin percentage sign small d percentage sign small s percentage sign small f double inverted comma close comma roll underscore number comma name comma height circular bracket close semicolon से तीन चरों के मान फाइल में लिखे जाएंगे, जहां roll underscore no एक पूर्णांक चर है, name एक string चर यानी वर्णों का array है और height एक अस्थिर बिंदु चर है। F scan F function का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। F scan F circular bracket start F point comma double inverted comma begin control string double inverted comma close comma list circular bracket close semicolon। जहां F point उस फाइल का फाइल पॉइंटर है, जिसको इनपुट के लिए खोला गया है। कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट के आइटमों के लिए इनपुट विवरण यानी इनपुट स्पेसिफिकेशंस हैं, तथा लिस्ट में इनपुट किए जाने वाले चर और स्ट्रिंग हैं। उदाहरण के लिए कथन F scan F circular bracket start FP2 comma double inverted comma begin percentage sign S percentage sign F percentage sign D double inverted comma close comma item comma ampersand sign rate comma ampersand sign QTY circular bracket close semicolon से तीन चरों के मान फाइल से पढ़े जाएंगे, जहां
आइटम एक स्ट्रिंग चर है, रेट एक अस्थिर बिंदु चर है और QTY यानी क्वांटिटी एक पूर्णांक चर है। फंक्शन स्कैन एफ की तरह फंक्शन एफ स्कैन एफ भी सफलतापूर्वक पढ़े जा चुके आइटमों की संख्या लौटाता है। जब फाइल का अंत आ जाता है तो ये कैपिटल ई कैपिटल ओ कैपिटल एफ लौटाता है। निम्नलिखित उदाहरण में इन दोनों फंक्शनों का उपयोग किया गया है। उदाहरण 16.9। यहाँ हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो ऐसी फाइल को बनाता और पढ़ता है जिसमें किसी स्टोर में उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक की जानकारी भरी हुई है। ये प्रोग्राम उस फाइल की सूचनाओं को एक साधारण सूची के रूप में प्रदर्शित करता है। ये प्रोग्राम नीचे दिया गया है। पाउंड साइन इंक्लूड लेस देन साइन stdio.h ग्रेटर देन साइन मेन पैरेंथेसिस साइन लेफ्ट ब्रेस कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई स्टार एफ पी सेमीकोलन आईएनटी स्पेस एनयूएमबी कॉमा क्यूटीवाई कॉमा आई सेमीकोलन फ्लोट रेट कॉमा टीओटी अंडरस्कोर प्राइस सेमीकोलन CHAR स्पेस आइटम स्क्वायर ब्रैकेट 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्लैश स्टार ओपन फाइल फॉर आउटपुट स्टार स्लैश FP इक्वल F ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल O कैपिटल C कैपिटल K अंडरस्कोर कैपिटल F कैपिटल I कैपिटल L कैपिटल E डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल W डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन बैक स्लैश स्मॉल एन इनपुट स्टॉक डाटा बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आइटम नेम कॉमा नंबर कॉमा रेट कॉमा क्वांटिटी बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन फॉर सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल I इक्वल 1 सेमीकोलन स्मॉल I लेस देन साइन इक्वल 5 सेमीकोलन स्मॉल I प्लस साइन सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज लेफ्ट ब्रेस स्कैन F सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन स्मॉल S परसेंटेज साइन स्मॉल D परसेंटेज साइन स्मॉल F परसेंटेज साइन स्मॉल D डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा आइटम कॉमा एम्परसेंट साइन एनयूएमबी कॉमा एम्परसेंट साइन रेट कॉमा एम्परसेंट साइन QTY सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन F प्रिंट F सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट FP कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन S परसेंटेज साइन D परसेंटेज साइन F परसेंटेज साइन D डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा आइटम कॉमा एनयूएमबी कॉमा रेट कॉमा QTY सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन राइट ब्रेस एफ क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट एफ पी सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन बैक स्लैश स्मॉल एन बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एफ पी इक्वल एफ ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल एस कैपिटल टी कैपिटल ओ कैपिटल सी कैपिटल के अंडरस्कोर कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल आर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन बैक स्लैश स्मॉल एन आइटम नेम कॉमा नंबर कॉमा रेट कॉमा क्वांटिटी कॉमा वैल्यू बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन फॉर
Circular bracket start, small I equal 1, semicolon, small I less than sign equal 5, semicolon, small I plus sign, circular bracket close. Left brace. F scan F. Circular bracket start, FP, double inverted comma begin, percentage sign S, percentage sign D, percentage sign F, percentage sign D, double inverted comma close, comma, item, comma, ampersand sign, NUMB, comma, ampersand sign, rate, comma, ampersand sign, QTY, circular bracket close, semicolon. TOT underscore price equal rate star QTY, print F, circular bracket start, double inverted comma begin, percentage sign dash 8 small s, percentage sign 5 small d, percentage sign 8 dot 2 small f, percentage sign 8 small d, percentage sign 11 dot 2 small f, backslash small n, double inverted comma close, comma, item, comma, NUMB, comma, rate, comma, QTY, comma, TOT underscore price, circular bracket close, semicolon. Right brace, F close, circular bracket start, FP, circular bracket close, semicolon. Right brace. 16.10 Structure. Structures. आप पढ़ चुके हैं कि एरे का उपयोग किसी समान टाइप के चरों के समूह को एक ही नाम से व्यक्त करने में किया जा सकता है, लेकिन यदि जब चर विभिन्न प्रकार के होते हैं तो हम एरे का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियों में हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप का उपयोग करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के चरों के समूह को एक ही नाम से व्यक्त और उपयोग करने की सरल सुविधा है। ये सुविधा अन्य कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए, हम किसी पुस्तक को निम्न प्रकार स्ट्रक्चर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं: पुस्तक, पुस्तक का शीर्षक, लेखक का नाम, मूल्य, प्रकाशन का वर्ष। स्ट्रक्चर जटिल डाटा को उपयोगी रूप में व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करते हैं। स्ट्रक्चर परिभाषित करना, डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरों को पहले परिभाषित करना आवश्यक है, इसके बाद ही उस स्ट्रक्चर का उपयोग एक टाइप की तरह चरों को घोषित करने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी पुस्तक के बारे में सूचनाओं को एक स्ट्रक्चर के रूप में निम्न प्रकार घोषित किया जा सकता है: स्ट्रक्ट बुक अंडरस्कोर इन्फो लेफ्ट ब्रेस char टाइटल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन char author square bracket start 20 square bracket close semicolon float price semicolon int space pub underscore year semicolon right brace semicolon। यहां book underscore info नामक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के कई डाटा फील्ड शामिल हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग चरों को घोषित करने में एक डाटा टाइप की तरह कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चर घोषित करना, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। किसी स्ट्रक्चर टाइप के चरों को निम्न प्रकार घोषित किया जा सकता है: स्ट्रक्ट बुक अंडरस्कोर इन्फो बुक वन कॉमा बुक टू कॉमा बुक थ्री सेमीकोलन। यहां बुक वन, बुक टू और बुक थ्री इन तीन चरों को घोषित किया गया है जिनका टाइप बुक अंडरस्कोर इन्फो नामक स्ट्रक्चर है। हम किसी स्ट्रक्चर की परिभाषा और उस टाइप के चरों की घोषणा दोनों को मिलाकर एक साथ भी घोषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऊपर परिभाषित किए गए स्ट्रक्चर बुक अंडरस्कोर इन्फो तथा घोषित किए गए चरों बुक वन बुक टू तथा बुक थ्री को हम निम्न प्रकार एक साथ घोषित कर सकते हैं: स्ट्रक्ट बुक अंडरस्कोर इन्फो लेफ्ट ब्रेस char टाइटल स्क्वायर ब्रैकेट 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज
semicolon, char, author, square bracket start, 20, square bracket close, semicolon. Float price, semicolon, int, space, pub, underscore, year, semicolon. Right brace, book 1, comma, book 2, comma, book 3, semicolon. ऐसी घोषणाओं में स्ट्रक्चर का कोई नाम रखना आवश्यक नहीं है. स्ट्रक्चर के तत्वों का उपयोग करना. एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स. हम किसी स्ट्रक्चर के विभिन्न सदस्यों अर्थात तत्वों का कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और उनमें मान निर्धारित कर सकते हैं. कोई तत्व अपने आप में स्वतंत्र चर नहीं होता, उसे केवल उसके स्ट्रक्चर चर के भाग के रूप में उपयोग किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि हम चर बुक वन के प्राइस चर का संदर्भ देना चाहते हैं तो इसे निम्न प्रकार दिया जाएगा, बुक वन डॉट प्राइस. यहाँ दोनों नामों के बीच में एक बिंदु यानी डॉट एक ऑपरेटर है जिसे सदस्य ऑपरेटर यानी मेंबर ऑपरेटर कहा जाता है. इस ऑपरेटर का उपयोग करते हुए हम किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी सदस्य चर का इच्छा अनुसार संदर्भ दे सकते हैं या किसी एक्सप्रेशन में उपयोग कर सकते हैं. उदाहरण 16.10. यहाँ हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो किसी कर्मचारी के बारे में कार्मिक सूचनाएं एक स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित करता है और उन्हें स्क्रीन से पढ़कर छापता है. ये प्रोग्राम नीचे दिया गया है. पाउंड साइन इंक्लूड लेस देन साइन stdio.h ग्रेटर देन साइन struct स्पेस emp अंडरस्कोर डाटा लेफ्ट ब्रेस char नेम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन char desgn स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन int डे सेमीकोलन char मंथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन int ईयर सेमीकोलन float सैलरी सेमीकोलन राइट ब्रेस सेमीकोलन मेन पैरेंथेसिस साइन लेफ्ट ब्रेस struct emp अंडरस्कोर डाटा emp सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन बैकस्लैश n इनपुट एम्प्लॉय डाटा बैकस्लैश n डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन नेम कॉमा desgn कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा सैलरी बैकस्लैश n डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्कैन एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट परसेंटेज साइन s परसेंटेज साइन s परसेंटेज साइन d परसेंटेज साइन s परसेंटेज साइन d परसेंटेज साइन f डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा emp डॉट नेम कॉमा emp डॉट desgn कॉमा एम्परसेंट साइन emp डॉट डे कॉमा emp डॉट मंथ कॉमा एम्परसेंट साइन emp डॉट ईयर कॉमा एम्परसेंट साइन emp डॉट सैलरी सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन s परसेंटेज साइन s परसेंटेज साइन d परसेंटेज साइन s परसेंटेज साइन d परसेंटेज साइन f बैकस्लैश n डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा emp डॉट नेम कॉमा emp डॉट desgn कॉमा emp डॉट डे कॉमा emp डॉट मंथ कॉमा emp डॉट ईयर कॉमा emp डॉट सैलरी सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन राइट ब्रेस. इस प्रोग्राम का इनपुट और आउटपुट निम्न प्रकार हो सकता है. इनपुट एम्प्लॉय डाटा
name, DESGN yani designation, date of joining, salary. R.K. Gupta, manager, 16 March 1972, 24,000. R.K. Gupta, manager, 16 March 1972, 24,000.00. Aur ab adhyay 16, C mein programming. Programming in C ka shesh bhag, kripya agli file, 16I mein sunen. फाइल संख्या 16H, अध्याय 16, सी में प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी का शेष भाग. GETW तथा PUTW फंक्शन. ये दोनों फंक्शन फाइलों पर किसी पूर्णांक को पढ़ने और लिखने में प्रयोग किए जाते हैं. ये फंक्शन क्रमशः GETC और PUTC फंक्शनों के समान हैं. इन फंक्शनों का उपयोग तब करना अधिक लाभदायक रहता है जब हम केवल पूर्णांक डाटा पर कार्य कर रहे हों. इन फंक्शनों का सामान्य रूप निम्न प्रकार है. पीयूटी डब्ल्यू सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट इंटीजर कॉमा एफ पॉइंट सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. जीईटी डब्ल्यू सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट एफ पॉइंट सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन. जहां इंटीजर कोई पूर्णांक चर है और एफ पॉइंट उस फाइल का फाइल पॉइंटर है जिस पर इनपुट या आउटपुट की क्रिया की जा रही है. निम्नलिखित उदाहरण से इन दोनों फंक्शनों का उपयोग स्पष्ट हो जाएगा. उदाहरण 16.8. यहां हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो एक फाइल से पूर्णांकों की एक श्रृंखला को पढ़ता हो और उनमें से सम यानी इवन संख्याओं को एक फाइल में और विषम यानी ऑड संख्याओं को दूसरी फाइल में लिखता हो. ये प्रोग्राम नीचे दिया गया है. पाउंड साइन इंक्लूड लेस देन साइन stdio.h ग्रेटर देन साइन मेन पैरेंथेसिस साइन लेफ्ट ब्रेस कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई स्टार एफ पी वन कॉमा स्टार एफ पी टू कॉमा स्टार एफ पी थ्री सेमीकोलन आईएनटी एनयूएमबी कॉमा स्मॉल आई सेमीकोलन स्लैश स्टार ओपन फर्स्ट फाइल फॉर आउटपुट स्टार स्लैश एफ पी वन इक्वल एफ ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल डी कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल ए अंडरस्कोर कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल w, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्कैन f, सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन स्मॉल d, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एम्परसेंड साइंड nUMB, सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन वाइल सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट nUMB, फैक्टोरियल साइन इक्वल माइनस वन सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज लेफ्ट ब्रेस PUTW सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट NUMB कॉमा FP1 सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्कैन F सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन स्मॉल d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एम्परसेंड साइन NUMB सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन राइट ब्रेस F close, circular bracket start, FP1, circular bracket close, semicolon, slash, star, open all files, star, slash, FP1, equal, F, open, circular bracket start, double inverted comma begin, capital D, capital A, capital T, capital A, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, double inverted comma close, comma, double inverted comma begin, small r, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon, fp2 equal, f open, circular bracket start, double inverted comma begin, capital E, capital V, capital E,
capital N, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, double inverted comma close, comma, double inverted comma begin, small w, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. FP3 equal F open, circular bracket start, double inverted comma begin, capital O, capital D, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, double inverted comma close, comma, double inverted comma begin, small w, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. Slash star, read input from capital D, capital A, capital T, capital A, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, star, slash. While circular bracket start, circular bracket start, NUMB equal GETW, circular bracket start, FP1, circular bracket close, circular bracket close. Factorial sign equal capital E, capital O, capital F, circular bracket close. Left brace if circular bracket start, NUMB percentage sign 2 equal 0, circular bracket close. PUTW circular bracket start, NUMB comma FP2, circular bracket close, semicolon. Slash star, write to capital E, capital V, capital E, capital N, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, star, slash, else. PUTW, circular bracket start, NUMB, comma, FP3, circular bracket close, semicolon, slash, star, write to capital O, capital D, capital D, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, star, slash, right brace. F close, circular bracket start, FP1, circular bracket close, semicolon. F close, circular bracket start, FP2, circular bracket close, semicolon. F close, circular bracket start, FP3, circular bracket close, semicolon. Slash, star, new display contents of capital E, capital V, capital E, capital N, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, and capital O, capital D, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, star, slash. FP2 equal F open, circular bracket start, double inverted comma begin, capital E, capital V, capital E, capital N, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, double inverted comma close, comma, double inverted comma begin, small r, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. FP3 equal F open, circular bracket start, double inverted comma begin, capital O, capital D, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, double inverted comma close, comma, double inverted comma begin, small r, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. Print F, circular bracket start, double inverted comma begin, backslash, small n, contents of capital E, capital V, capital E, capital N, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, backslash, small n, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. While circular bracket start, NUMB equal GETW, circular bracket start, FP2, circular bracket close,
circular bracket close, factorial sign, equal, capital E, capital O, capital F, circular bracket close. Print F, circular bracket start, double inverted comma begin, percentage sign, 5, small d, double inverted comma close, comma, NUMB, circular bracket close, semicolon. Print F, circular bracket start, double inverted comma begin, backslash, small n, contents of capital O, capital D, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, backslash, small n, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. While, circular bracket start, NUMB, equal, GETW, circular bracket start, FP3, circular bracket close, factorial sign, equal, capital E, capital O, capital F, circular bracket close. Print F, circular bracket start, double inverted comma begin, percentage sign, 5, small d, double inverted comma close, comma, NUMB, circular bracket close, semicolon. F close, circular bracket start, FP2, circular bracket close, semicolon. F close, circular bracket start, FP3, circular bracket close, semicolon, right brace. ये प्रोग्राम एक साथ तीन फाइलों का उपयोग करता है, जिनके लिए हमने तीन फाइल पॉइंटर FP1, FP2 और FP3 परिभाषित किए हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट मानों को टर्मिनल से पढ़ा जाता है और उन्हें एक फाइल में लिखा जाता है। अगली बार उस फाइल को पढ़कर सम और विषम संख्याओं को अलग-अलग फाइलों में लिखा जाता है। अंत में उन दोनों फाइलों की सामग्री मॉनिटर पर दिखाई जाती है। इस प्रोग्राम का परीक्षण अपने कंप्यूटर पर कीजिए। इसमें इनपुट संख्याओं की समाप्ति -1 टाइप करके की जाएगी। F print F तथा F scan F function। अभी तक आपने ऐसे फंक्शनों के बारे में पढ़ा है जो किसी फाइल में एक बार में एक वर्ण या एक पूर्णांक को इनपुट या आउटपुट करते हैं। अधिकांश C कंपाइलरों में दो अन्य फंक्शनों F print F तथा F scan F की सुविधा उपलब्ध है, जो मिले-जुले डाटा के समूह को एक साथ इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। इन फंक्शनों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं फंक्शनों print F तथा scan F के समान है। अंतर केवल ये है कि इन फंक्शनों का उपयोग फाइलों के संदर्भ में किया जाता है। इन फंक्शनों का पहला आर्गुमेंट उस फाइल का फाइल पॉइंटर होता है जिस पर इनपुट या आउटपुट क्रिया की जा रही है। F print F फंक्शन का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। F print F सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट F पॉइंट कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा बिगिन कंट्रोल स्ट्रिंग डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लिस्ट सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। जहां F पॉइंट उस फाइल का फाइल पॉइंटर है जिसको आउटपुट के लिए खोला गया है। कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट के आइटमों के लिए आउटपुट विवरण यानी आउटपुट स्पेसिफिकेशंस हैं तथा लिस्ट में आउटपुट किए जाने वाले चर नियतांक और स्ट्रिंग हैं। उदाहरण के लिए कथन F print F circular bracket start FP1 comma double inverted comma begin percentage sign small d percentage sign small s percentage sign small f double inverted comma close comma roll underscore number comma name comma height circular bracket close semicolon से तीन चरों के मान फाइल में लिखे जाएंगे, जहां roll underscore no एक पूर्णांक चर है, name एक string चर यानी वर्णों का array है और height एक अस्थिर बिंदु चर है। F scan F function का सामान्य रूप निम्न प्रकार है। F scan F circular bracket start F point comma double inverted comma begin control string double inverted comma close comma list circular bracket close सेमीकोलन। जहां F पॉइंट उस फाइल का फाइल पॉइंटर है जिसको इनपुट के लिए खोला गया है।
कंट्रोल स्ट्रिंग लिस्ट के आइटमों के लिए इनपुट विवरण यानी इनपुट स्पेसिफिकेशंस हैं तथा लिस्ट में इनपुट किए जाने वाले चर और स्ट्रिंग हैं। उदाहरण के लिए कथन एफ स्कैन एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट एफ पी टू कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन एस परसेंटेज साइन एफ परसेंटेज साइन डी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा आइटम कॉमा एम्परसेंड साइन रेट कॉमा एम्परसेंड साइन क्यू टी वाई सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन से तीन चरों के मान फाइल से पढ़े जाएंगे, जहां आइटम एक स्ट्रिंग चर है, रेट एक अस्थिर बिंदु चर है और क्यू टी वाई यानी क्वांटिटी एक पूर्णांक चर है। फंक्शन स्कैन एफ की तरह फंक्शन एफ स्कैन एफ भी सफलतापूर्वक पढ़े जा चुके आइटमों की संख्या लौटाता है। जब फाइल का अंत आ जाता है तो ये कैपिटल ई कैपिटल ओ कैपिटल एफ लौटाता है। निम्नलिखित उदाहरण में इन दोनों फंक्शनों का उपयोग किया गया है। उदाहरण 16.9। यहाँ हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो ऐसी फाइल को बनाता और पढ़ता है जिसमें किसी स्टोर में उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक की जानकारी भरी हुई है। ये प्रोग्राम उस फाइल की सूचनाओं को एक साधारण सूची के रूप में प्रदर्शित करता है। ये प्रोग्राम नीचे दिया गया है। पाउंड साइन इंक्लूड लेस देन साइन एस टी डी आई ओ डॉट एच ग्रेटर देन साइन मेन पैरेंथेसिस साइन लेफ्ट ब्रेस कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई स्टार एफ पी सेमी कोलन आई एन टी स्पेस एन यू एम बी कॉमा क्यू टी वाई कॉमा आई सेमी कोलन फ्लोट रेट कॉमा टी ओ टी अंडरस्कोर प्राइस सेमी कोलन सी एच ए आर स्पेस आइटम स्क्वायर ब्रैकेट 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन स्लैश स्टार ओपन फाइल फॉर आउटपुट स्टार स्लैश एफ पी इक्वल एफ ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल एस कैपिटल टी कैपिटल ओ कैपिटल सी कैपिटल के अंडरस्कोर कैपिटल एफ कैपिटल आई कैपिटल एल कैपिटल ई डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन स्मॉल डब्ल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन बैक स्लैश स्मॉल एन इनपुट स्टॉक डाटा बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आइटम नेम कॉमा नंबर कॉमा रेट कॉमा क्वांटिटी बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन फॉर सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल आई इक्वल 1 सेमी कोलन स्मॉल आई लेस देन साइन इक्वल 5 सेमी कोलन स्मॉल आई प्लस साइन सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज लेफ्ट ब्रेस स्कैन एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन स्मॉल एस परसेंटेज साइन स्मॉल डी परसेंटेज साइन स्मॉल एफ परसेंटेज साइन स्मॉल डी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा आइटम कॉमा एम्परसेंट साइन एन यू एम बी कॉमा एम्परसेंट साइन रेट कॉमा एम्परसेंट साइन क्यू टी वाई सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन एफ प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट एफ पी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन परसेंटेज साइन एस परसेंटेज साइन डी परसेंटेज साइन एफ परसेंटेज साइन डी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा आइटम कॉमा एन यू एम बी कॉमा रेट कॉमा क्यू टी वाई सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन राइट ब्रेस एफ क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट एफ पी सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन बैक स्लैश स्मॉल एन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमी कोलन एफ पी इक्वल एफ ओपन सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन कैपिटल एस कैपिटल टी
capital O, capital C, capital K, underscore, capital F, capital I, capital L, capital E, double inverted comma close, comma, double inverted comma begin, small r, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. Print F, circular bracket start, double inverted comma begin, backslash, small n, item name, comma, number, comma, rate, comma, quantity, comma, value, backslash, small n, double inverted comma close, circular bracket close, semicolon. For circular bracket start, small I equal 1, semicolon, small I less than sign equal 5, semicolon, small I plus sign, circular bracket close, left brace. F scan F, circular bracket start, FP, double inverted comma begin, percentage sign S, percentage sign D, percentage sign F, percentage sign D, double inverted comma close, comma, item, comma, ampersand sign, NUMB, comma, ampersand sign, rate, comma, ampersand sign, QTY, circular bracket close, semicolon. TOT underscore price equal rate star QTY, print F, circular bracket start, double inverted comma begin, percentage sign, dash, 8, small s, percentage sign, 5, small d, percentage sign, 8, dot, 2, small f, percentage sign, 8, small d, percentage sign, 11, dot, 2, small f, backslash, small n, double inverted comma close, comma, item, comma, NUMB, comma, rate, comma, QTY, comma, TOT underscore price, circular bracket close, semicolon. Right brace, F close, circular bracket start, FP, circular bracket close, semicolon. Right brace. 16.10 Structure. Structures. आप पढ़ चुके हैं कि एरे का उपयोग किसी समान टाइप के चरों के समूह को एक ही नाम से व्यक्त करने में किया जा सकता है, लेकिन यदि जब चर विभिन्न प्रकार के होते हैं तो हम एरे का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियों में हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप का उपयोग करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के चरों के समूह को एक ही नाम से व्यक्त और उपयोग करने की सरल सुविधा है। ये सुविधा अन्य कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए, हम किसी पुस्तक को निम्न प्रकार स्ट्रक्चर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पुस्तक, पुस्तक का शीर्षक, लेखक का नाम, मूल्य, प्रकाशन का वर्ष। स्ट्रक्चर जटिल डाटा को उपयोगी रूप में व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करते हैं। स्ट्रक्चर परिभाषित करना, डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरों को पहले परिभाषित करना आवश्यक है, इसके बाद ही उस स्ट्रक्चर का उपयोग एक टाइप की तरह चरों को घोषित करने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी पुस्तक के बारे में सूचनाओं को एक स्ट्रक्चर के रूप में निम्न प्रकार घोषित किया जा सकता है। STRUCT, book underscore info, left brace, CHAR, title, square bracket start, 20, square bracket close, semicolon. CHAR, author, square bracket start, 20, square bracket close, semicolon. Float price, semicolon. INT space, PUB, underscore, year, semicolon. Right brace, semicolon. यहां, book underscore info नामक स्ट्रक्चर घोषित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कई डाटा फील्ड शामिल हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग चरों को घोषित करने में एक डाटा टाइप की तरह कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चर घोषित करना, डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। किसी स्ट्रक्चर टाइप के चरों को निम्न प्रकार घोषित किया जा सकता है, एसटीआरयूसीटी, बुक अंडरस्कोर इन्फो, बुक वन, कॉमा बुक टू, कॉमा बुक थ्री, सेमीकोलन। यहाँ बुक वन, बुक टू और बुक थ्री
इन तीन चरों को घोषित किया गया है जिनका टाइप बुक अंडरस्कोर इन्फो नामक स्ट्रक्चर है। हम किसी स्ट्रक्चर की परिभाषा और उस टाइप के चरों की घोषणा दोनों को मिलाकर एक साथ भी घोषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर परिभाषित किए गए स्ट्रक्चर बुक अंडरस्कोर इन्फो तथा घोषित किए गए चरों बुक वन बुक टू तथा बुक थ्री को हम निम्न प्रकार एक साथ घोषित कर सकते हैं। स्ट्रक्ट बुक अंडरस्कोर इन्फो लेफ्ट ब्रेस char टाइटल स्क्वायर ब्रैकेट 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन char ऑथर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 20 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन फ्लोट प्राइस सेमीकोलन int स्पेस pub अंडरस्कोर ईयर सेमीकोलन राइट ब्रेस बुक वन कॉमा बुक टू कॉमा बुक थ्री सेमीकोलन। ऐसी घोषणाओं में स्ट्रक्चर का कोई नाम रखना आवश्यक नहीं है। स्ट्रक्चर के तत्वों का उपयोग करना। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। हम किसी स्ट्रक्चर के विभिन्न सदस्यों अर्थात तत्वों का कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और उनमें मान निर्धारित कर सकते हैं। कोई तत्व अपने आप में स्वतंत्र चर नहीं होता, उसे केवल उसके स्ट्रक्चर चर के भाग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम चर बुक वन के प्राइस चर का संदर्भ देना चाहते हैं तो इसे निम्न प्रकार दिया जाएगा बुक वन डॉट प्राइस। यहाँ दोनों नामों के बीच में एक बिंदु यानी डॉट एक ऑपरेटर है जिसे सदस्य ऑपरेटर यानी मेंबर ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का उपयोग करते हुए हम किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी सदस्य चर का इच्छा अनुसार संदर्भ दे सकते हैं या किसी एक्सप्रेशन में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण 16.10। यहाँ हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो किसी कर्मचारी के बारे में कार्मिक सूचनाएं एक स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित करता है और उन्हें स्क्रीन से पढ़कर छापता है। ये प्रोग्राम नीचे दिया गया है। पाउंड साइन इंक्लूड less than sign stdio.h greater than sign struct space emp underscore data left brace char name square bracket start 20 square bracket close semicolon char desgn square bracket start 15 square bracket close सेमीकोलन int डे सेमीकोलन char मंथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन int ईयर सेमीकोलन float सैलरी सेमीकोलन राइट ब्रेस सेमीकोलन मेन पैरेंथेसिस साइन लेफ्ट ब्रेस struct emp अंडरस्कोर डाटा emp सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन / n इनपुट एम्प्लॉय डाटा / n डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन प्रिंट एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा बिगिन नेम कॉमा desgn कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा सैलरी / n डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन स्कैन एफ सर्कुलर ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट % sign s % sign d % sign s % sign d % sign f डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा emp dot name comma emp dot desgn comma ampersand sign emp dot day comma emp dot month comma ampersand sign emp dot year comma ampersand sign emp dot salary circular bracket close semicolon print f double inverted comma begin % sign s % sign d %
percentage sign S, percentage sign D, percentage sign F, backslash N, double inverted comma close, comma, emp dot name, comma, emp dot desgn, comma, emp dot day, comma, emp dot month, comma, emp dot year, comma, emp dot salary, circular bracket close, semicolon, right brace. इस प्रोग्राम का इनपुट और आउटपुट निम्न प्रकार हो सकता है. इनपुट एम्प्लॉय डाटा, नेम DESGN यानी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग सैलरी आर के गुप्ता मैनेजर 16 मार्च 1972 24,000 आर के गुप्ता मैनेजर 16 मार्च 1972 24,000.00. और अब अध्याय 16 सी में प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी का शेष भाग कृपया अगली फाइल 16 आई में सुनें.